हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल राइट एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज थ्री हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज थ्री हमारी कंटिन्यू थी, पॉलीनोमियल्स। और पॉलीनोमियल्स में हमने एक्सरसाइज 3.5 हमारी स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट वीडियो में, आज उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या कहा है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में? हमें नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, उनमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, यानी डिफरेंट है। तो रियल और डिफरेंट किस केस में होता है? रूट्स जब रियल और डिफरेंट होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या था? के की वैल्यू फाइंड करनी थी और उसमें रूट्स कैसे दिए हुए थे? रियल एंड सेम। तब हमने क्या किया था? डी इज इक्वल टू जीरो पुट किया था। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है हमें? वही डी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे क्या करना है? ग्रेटर देन जीरो के, ग्रेटर देन जीरो पुट करना है। और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? के की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें। सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे क्या? डी की वैल्यू। तो पहले ए बी और सी तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के। बी कितना है? एक्स का कोएफिशिएंट टू। एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म वन। ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट किसका, क्या होता है इसका फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो सारी। बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाय ए की वैल्यू के मल्टीप्लाय सी की वैल्यू वन। तो टू का स्क्वायर हो गया फोर माइनस फोर के। कितना मिला हमें? फोर माइनस फोर के। अब क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट कह दो या डिस्टिंक्ट कह दो, एक ही बात है। रूट्स कैसे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? रियल है और डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है? डी हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? जीरो से। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन किसके? जीरो के। तो डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? फोर माइनस फोर के, यानी फोर माइनस फोर के ग्रेटर देन हो जाएगा किसके? जीरो के। ये माइनस का फोर के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी फोर ग्रेटर देन है फोर के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर के लेस देन है किससे? फोर से। फोर ग्रेटर देन है फोर के से, तो फोर के तो लेस देन हुआ फोर से। तो इसको हमने ऐसे रिवर्स करके लिख दिया कि फोर के लेस देन है किससे? फोर से। अब या फिर के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है फोर, ये यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी के लेस देन फोर अपॉन फोर, यानी क्या? वन। तो हमारा आंसर क्या आया? के की वैल्यू हमेशा क्या होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? लेस देन वन। तभी इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। तो क्या लिख देना लास्ट में? ऐसे लिख देना, देखो, वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज लेस देन वन। क्या होगी? के की वैल्यू हमेशा वन से छोटी लेनी होगी हमें। वन से छोटी कुछ भी ले सकते हैं हम, जीरो, वन बाय टू, माइनस वन, माइनस टू, कुछ भी। तभी हमारे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट। अगर हमने के की वैल्यू वन से बड़ी ले ली, मान लो टू ले लिया यहां पर के की जगह, तो इसके रूट्स कैसे नहीं होंगे? रियल नहीं होंगे और डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें डी को हमें ग्रेटर देन जीरो पुट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डी को इक्वल जीरो पुट किया था। सेकंड देखते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस बार यहां पर a इज इक्वल टू है k, b इज इक्वल टू है 6 एंड c इज इक्वल टू है 1। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 1 यानी 36 माइनस 4k। रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिफरेंट, यानी d क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी 36 माइनस 4k किससे ग्रेटर देन? 0 से ग्रेटर देन। ये माइनस का 4k उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 36 ग्रेटर देन 4k, या फिर इसको लिख सकते हैं 4k लेस देन किससे? 36 से। 36 ग्रेटर देन है 4k से, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4k लेस देन 36। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी k लेस देन 36 अपॉन 4 कितना आ गया? k लेस देन कितना होगा? 9। यानी वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज लेस देन 9, यानी k की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होगी? 9 से। 9 से छोटी कोई भी वैल्यू लेंगे हम, तो उसके लिए इसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, बट 9 से बड़ी वैल्यू पर नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है? थर्ड है x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस k, c इज इक्वल टू 9। b इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है? माइनस k, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 9। माइनस k का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36। और d क्या है अब? ग्रेटर देन 0 के, यानी k स्क्वायर माइनस 36 किसके ग्रेटर देन? 6 से, ओ 0 से ग्रेटर देन। देखो k स्क्वायर माइनस 36 इसको हम लिख सकते हैं k का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहां फॉर्मूला दिख रहा है हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है उसका फॉर्मूला? a माइनस b इंटू a प्लस b। यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहां नीचे लिख लेते हैं, k माइनस 6 एंड k प्लस 6 ग्रेटर देन किससे? 0 से। क्या लिख दिया हमने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b a प्लस b k माइनस 6 k प्लस 6। अब एक बार तो क्या कर देंगे, k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 के, और एक बार पुट कर देंगे k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 के। तो यहां से तो आ जाएगा k ग्रेटर देन 6 और यहां से आएगा क्या? k लेस देन माइनस 6। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी वैल्यू ऑफ k? वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन माइनस 6। क्या होगी? k की वैल्यू हमेशा 6 से तो बड़ी होगी और माइनस 6 से लेस देन होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, फॉर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो
रियल रूट्स। देखो इस बार क्या कहा है, एक इक्वेशन दी है और उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके रूट्स कैसे हैं, नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स है। तो थर्ड वाला केस यानी इसमें डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहले इसे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू फाइव के एंड सी इज इक्वल टू सिक्स। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फाइव के का होल स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाय वन मल्टीप्लाय सिक्स। फाइव के का स्क्वायर करेंगे ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स का कितना हो गया ट्वेंटी फोर, यही है ना। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, यही है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, आ गया हमारे पास ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर। अब इसमें क्या कहा है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स हैज नो नॉट रियल, कैसे नहीं है इसके रूट्स, रियल नहीं है यानी इमेजिनरी है। तो इस केस में क्या होता है, डी की वैल्यू लेस देन होती है हमेशा किससे, जीरो से। तो अब क्या कर देंगे, इसको जीरो के लेस देन पुट कर दो, ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर लेस देन जीरो, ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर लेस देन हो जाएगा किससे, ट्वेंटी फोर से, और के स्क्वायर लेस देन हो जाएगा किससे, ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव से, ये ट्वेंटी फाइव उधर डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट के लेस देन अंडर रूट ट्वेंटी फोर अपॉन में ट्वेंटी फाइव, इधर देख लो के लेस देन, अब अंडर रूट हटाएंगे तो एक बार साइन प्लस का एक बार माइनस का, 24 को क्या लिख सकते हैं अंदर, 24 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 6 और 4 का रूट होता है कितना 2, यानी 2 रूट 6 और अपॉन में 25 का रूट हो जाएगा कितना 5। तो यानी k की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 2 रूट 6 अपॉन 5 एंड लेस देन माइनस के टू रूट सिक्स अपॉन फाइव। ठीक है, ये हो गया क्या के की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में जो केस के बारे में कहे बस आपको डी की वैल्यू फाइंड करके और उस केस को फॉलो करना है। अगर नो रियल रूट्स कहे तो डी लेस देन जीरो हो जाएगा, अगर कहे रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो डी इक्वल जीरो हो जाएगा, अगर कहे रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएगा डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है इस बार बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसमें क्या है, और रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और इसमें कहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी की वैल्यू किसके इक्वल हो, जीरो के। तो हमें प्रूव करना है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो पहले इक्वेशन में आ रहे हैं, तो जो हम ए बी सी लेते हैं उनको कैपिटल्स में ले लो या एक्स वाई जेड ले लो, कुछ भी ले लो। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी माइनस सी, कैपिटल बी सी माइनस ए और कैपिटल सी ए माइनस बी, ए बी सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई ए कितना है बी माइनस सी और सी कितना है ए माइनस बी, ये आ गया।
अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, रूट्स कैसे हैं इसके, रियल एंड इक्वल, तो d की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल, तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल। c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई b माइनस c इंटू a माइनस b किसके इक्वल है, जीरो के। अब इसे सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे c स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर से, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, माइनस के 4 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, b को पहले a से किया ab, b को माइनस b से किया माइनस b स्क्वायर, माइनस c को a से किया माइनस के ac, माइनस सी को माइनस बी से किया प्लस के बी सी, और इक्वल में जीरो। इधर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, अब सबको किससे कर देंगे, माइनस फोर से, माइनस फोर ए बी से होगा तो माइनस फोर ए बी, माइनस फोर माइनस बी स्क्वायर से होगा तो प्लस के फोर बी स्क्वायर, माइनस फोर माइनस ए सी से होगा प्लस फोर ए सी, माइनस फोर प्लस बी सी से होगा माइनस फोर बी सी, इक्वल में जीरो। अब देखो इसमें क्या क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस के 2ac प्लस के 4ac, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख ली, ये वाली टर्म लिख ली, ये वाली टर्म लिख ली। अब इधर है माइनस 2ac, इधर है प्लस 4ac, 4ac में से 2ac जाएंगे कितने बचेंगे, प्लस के 2ac बचेंगे, और क्या बच गया, माइनस का 4ab और माइनस के 4bc, ये बच गया हमारे पास। हमें लेके आना है क्या, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, देखो कैसे लाएंगे, 2b इज इक्वल टू a प्लस c लेके आना है हमें, ये है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, ये वाली टर्म और ये टर्म, इन तीनों को अगर हम एक साथ ले तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, c प्लस a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, c प्लस a का होल स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, इधर है 4b स्क्वायर माइनस, ये है माइनस का 4ab और माइनस के 4bc, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 4 बी कॉमन ले सकते हैं, और क्या बच जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी, और इक्वल में जीरो। अब देखो एक बार ऊपर का मिटा देता हूं मैं, अब इसे ध्यान से समझना, यहां पे वापस क्या किया है हमने अब तक, देख लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, इन तीनों को एक साथ लिख के हमने क्या बना दिया, इसका होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर फोर बी स्क्वायर को ऐसे कैसा लिख दिया, और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया माइनस के 4b, और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास a प्लस सी, ये बना c प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b मल्टीप्लाई में a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये 4b स्क्वायर वाली टर्म को एक बार इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। देखो स्टूडेंट क्या लिखा हमने, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4b a प्लस c प्लस 4b स्क्वायर, अब इसको हम लिख दें c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस c इंटू 2b प्लस इस 4b स्क्वायर को हम लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया पूरा, अगर इसको मैं मान लू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बन रही है, तो इसको हम लिख देंगे c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, और इक्वल में जीरो। अब इसको जब स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो इधर रूट लगेगा, तो रूट जीरो की वैल्यू जीरो, यानी c प्लस a माइनस 2b किसके इक्वल, जीरो के, तो यहां से c प्लस a किसके इक्वल आ गया, 2b के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बस इसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, इसको हमें चेंज किया पहले माइनस फोर बी ए प्लस सी प्लस फोर बी स्क्वायर, फिर इसको हमने बना लिया सी प्लस ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, और फिर लिख दिया सी प्लस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू टू बी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी।
तो आपकी ये जो क्वेश्चन आज मैंने कराया आपको, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू सो मच।